हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से मुझे मेरे पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की, दोस्तों के बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इशू रिगार्डिंग कोरोना वायरस। सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मेरे फ़ोन के अंदर है। सो अगर मैं फ़ोन की तरफ देखूँ, सो डोंट थिंक दैट आई एम checking some messages or something. Yeah, so first thing is, coronavirus के बारे में सबको अब तो पता लग ही गया है because it is now worldwide known fact कि recently WHO ने भी इसे एक emergency situation करार कर दिया है। तो उससे related मैंने कुछ points लिखे थे यहाँ पर जो मुझे आपको information देने थे because I am living in China and जब मैं नॉर्मल एरियाज़ देख रहा हूँ जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया जहाँ पर इंफॉर्मेशन आ सकती है, वो इंफॉर्मेशन पार्शली करेक्ट है। मैं उसको कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं कहूँगा बट वो ट्रू भी नहीं है। बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही है इससे रिगार्डिंग। सो सबसे पहले तो ये स्टार्ट हुआ है वुहान से। मैं अभी इस वक्त शंघाई में हूँ। वुहान शंघाई से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर है और वो वहाँ पर शुरू हुआ है एक सी मार्केट से। एंड बहुत लोगों का कहना है कि वो स्नेक से फैला है, बहुत लोगों का कहना है कि वो बैट्स से फैला है, चमगादड़ उनसे फैला है, बट अभी किसी को पूरी तरह से पता नहीं। बट अर्ली स्टडीज़ डज शो दैट इट कैन आइदर बी अ बैट और अ स्नेक। सो स्टिल इट्स गोइंग ऑन। एंड मैं क्विकली बता देता हूँ कि इस आउटब्रेक की वजह से अभी क्या क्या हुआ है। सो रिसेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया था ट्विटर पे कि जितने भी इंडियंस हैं, अगर वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एंड दूसरी चीज़, वो क्वारंटीन भी हो सकते हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बिफोर और आफ्टर, इनफैक्ट January 15, यू कुड बी पुट इन टू क्वारंटीन सेक्शन। सो दे विल बी चेकिंग फॉर सिम्टम्स एंड आफ्टर दैट दे विल रिलीज यू। दिस ऑफ कोर्स फ्लाइट्स आर गेटिंग कैंसल, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स को यहाँ पर आना था बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं आ पाए। थ्रू द करंट चैलेंजेस के अभी एज एन इंडियन मुझे क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, सो आई विल स्टार्ट विद येस मास्क शॉर्टेज, क्योंकि ये बहुत नया वायरस है और लोगों को पता है कि हाँ भाई, इफ़ यू वेयर मास्क इट विल प्रोटेक्ट अस, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग मास्क को अपने घर में स्टॉक कर रहे हैं। ऑफकोर्स मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है मास्क को ढूंढने में। मैं जब भी अपने पास वाले मेडिकल स्टोर में जाता हूँ, हमेशा वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए क्योंकि लोग वो भी अब धीरे धीरे स्टॉक करने लग गए हैं घर में। लेकिन हाँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे इस तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, हल्की फुल्की बट नॉट एंटायरली। आई एम कम्प्लीटली सेफ एंड फाइन है। एंड सबसे ज़्यादा जो इशू हुआ है अभी वो वुहान में हुआ है। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी वहाँ पर, और अगेन ये वेरीफाइबल फैक्ट है कि वहाँ पर लोगों को 150 चाइनीज़ युआन के अंदर एक बॉटल मिल रही थी पानी की। सो 150 युआन इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1500 रुपये इन इंडियन रुपीज़। सो 1500 रुपये की एक पानी की बॉटल मिल रही थी और उसकी वजह से ऑफकोर्स जो वेजिटेबल्स थे उनका भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पर वुहान में। सो येस, क्योंकि वो सोर्स है इस वायरस का, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर। एंड रिसेंटली अभी बहुत ही कमेंडेबल स्टेप लिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि 2 फ्लाइट्स चली हैं एयर इंडिया की और मोर देन आई थिंक 600 इंडियंस वर एयरलिफ्टेड। दैट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट। बट अगेन, सो फार इन शंघाई ऑल गुड, ऑल फाइन। इसको सबसे पहले तो प्रिवेंट किया जा सकता है इस एक आउटब्रेक को, और उसका सबसे पहला स्टेप है कि इसको फैलने से रोका जाए, क्योंकि ये एक डिजीज़ ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है। इस वजह से चाइना गवर्नमेंट ने जितने भी ऑफिसेज हैं उन सबको ये ऑर्डर जारी किया कि February 10 तक एटलीस्ट लोगों को घर से काम करने की इजाज़त दी जाए। सो अभी मैं पिछले 2 हफ्तों से घर से काम कर रहा हूँ एंड आई थिंक ये और बढ़ सकती है वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी है अभी। सो
आई गो थ्रू द सिम्टम्स क्विकली, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, जो यूजुअली विंटर्स के अंदर होते हैं लोगों को. जैसे वन ऑफ देम इज़ रनी नोज. सो अगर आपकी नाक बह रही है तो ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि लोगों को फीवर हो सकता है, उनको जुकाम हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सो दैट्स अ साइन दैट यू कुड बी इन्फेक्टेड. लेकिन अभी लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हैं इस चीज़ को लेके. अगर उनको थोड़ा सा भी फीवर भी होता है, सो दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल्स. एक चीज़ और समझ में आई है जब से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पर, कि इसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा आसान है, क्योर इसका अभी तक प्रॉपरली नहीं मिला है. मतलब कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है. लेकिन सबसे पहला जो मेन नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वॉश योर हैंड्स एज मच एज पॉसिबल. जितनी बार हो सके उतनी बार आप अपने हाथ या तो हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, या नॉर्मल सोप से, या लिक्विड हैंड वॉश से. जितनी बार हो सके हैंड वॉश करें, और जब भी हम बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं. और मेनली दो तरह के मास्क हैं जो अभी तक प्रॉपरली सेफ रख सकते हैं इस वायरस से. पहला है K95 N95, आई थिंक, और K95 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड सेकंड इज सर्जिकल मास्क. सो ये दो तरह के मास्क हैं जो बिल्कुल वेरीफाई हो चुके हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड एक और पॉजिटिव न्यूज़ आई है अभी रिसेंटली, कि यहाँ के हॉस्पिटल ने उस स्पेसिफिक वायरस को, कोरोना वायरस को, आइसोलेट कर लिया है एक ह्यूमन बॉडी से. अब वो लैब में टेस्ट हो सकता है टू फाइंड अ क्योर. Scientists in eastern China's Zhejiang province have successfully isolated the new coronavirus. The province's Center for Disease Control and Prevention is the second lab to do so. Separating the virus allows researchers to better understand the virus and its behavior. Scientists have started using medicine to conduct tests to suppress the virus. They also expect to develop mixtures that can detect infections more quickly, making it easier to curb the spread of the virus. And मुझे एक वेबसाइट मिली है जिसके ऊपर पूरा ग्लोबल डेटा है कि कौन 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 सी कंट्री में कितने सारे केसेस आए हैं. मोस्ट ऑफ देम इज कमिंग फ्रॉम चाइना मेनलैंड फॉर श्योर, बट अगेन आउट ऑफ दैट बहुत बड़ा चंक वुहान डिस्ट्रिक्ट से है. जहाँ पर मैं हूँ शंघाई, वहाँ पर भी हैं ऑफकोर्स केसेस. मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी जगह सेफ है, सो इसलिए वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस एवरीवेयर. मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर में ही हैं. आई डोंट नो, आई मीन मैं 5 साल से यहाँ पर हूँ, एंड जब मैं इंडिया में था तो मेरे कुछ डिफरेंट तरह के प्रीकंसीव नोशंस थे चाइना को लेकर, कैसी कंट्री होगी, कैसे लोग होंगे, बहुत कुछ सुना था. बट मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मुझे चाइना ने और यहाँ के लोगों ने, जो भी मेरे इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, उन सब ने फुल रिस्पेक्ट दी. पूरा उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा, जो एक फॉरेनर एक्सपेक्ट कर सकता है दूसरी कंट्री में जाके. ये एक छोटी सी विश थी इंडियंस एंड चाइना की तरफ से, कि वी आर स्टैंडिंग बाय यू एंड लेट्स यू नो फाइट दिस वायरस टुगेदर. एंड रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई थी कि कैसे डॉक्टर्स सारी रात बैठे हुए हैं, एंड जहाँ पर उनको जगह मिली वहीं पर ही वो आधा घंटा या एक घंटा सोने का ट्राई कर रहे हैं. और रात को वो इसलिए हैं हॉस्पिटल में कि किसी भी टाइम कोई भी एमरजेंसी में पेशेंट आ सकता है. डॉक्टर्स इस वक्त दे आर रियली वर्किंग लाइक हीरोज, एंड फुल रिस्पेक्ट, फुल मार्क्स, एंड आई थिंक फुल रिस्पेक्टली गोज टू देम. गवर्नमेंट ने एक और ऑर्डर दिया था कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, कम्युनिटीज हैं, उन सबको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाए, डिसइंफेक्ट किया जाए. सो ये कुछ फोटोज़ हैं जो मेरी खुद की हाउसिंग सोसाइटी की है, कि सिक्योरिटी गार्ड्स कोई भी अंदर बाहर जा रहा है उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, एंड मास्क सब ने पहने हुए हैं यहाँ पर. एंड दैट्स अ गुड थिंग, आई थिंक इट्स नॉट समथिंग जिसको मैं गलत कहूँगा. जितना लोग खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरों लोग उतने ही प्रोटेक्ट रहेंगे. तब से मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एंड उन्होंने रिसेंटली सिर्फ 10 दिन के अंदर एक पूरा 1000 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है वुहान डिस्ट्रिक्ट में, ताकि इन सब
लोगों को आइसोलेट किया जाए ताकि और लोग इन्फेक्ट ना हो और उनको प्रॉपर क्योर मिल पाए। या इन द एंड सिर्फ यही कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज हम घर पे हैं, बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जा रहे हैं, जब हम वापस आ रहे हैं सो वी जस्ट मेंटेनिंग गुड हाइजीन बाय वॉशिंग आवर हैंड्स एज रेगुलरली एज पॉसिबल, एटलीस्ट 5 to 6 times अ डे। कभी भी कोई कफ होती है या लेट्स से इफ आई स्नीज देन आई गो आउट, आइदर आई यूज़ हैंड सैनिटाइजर और आई गो एंड वॉश हैंड्स। एंड रिसेंटली मुझे एक बहुत अच्छा जेस्चर लगा मेरे इमीडिएट सुपीरियर का, एंड आई थिंक आप वो चैट पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज में थी, इस वजह से नहीं मिल पा रही थी वेजेस। एंड मेरे मैनेजर को पता था, जो मेरे इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं, जो सुपीरियर हैं, उनको पता था दैट आई एम अ वेजिटेरियन, सो ही वॉज क्वाइट कंसर्न एंड ही कॉल मी एंड सेड के अगर तुम्हें ज़रूरत हो सो आई कैन ड्राइव यू अराउंड, आई कैन फाइंड सम वेजिटेबल्स फॉर यू, एंड दैट वॉज रियली रियली ग्रेट जेस्चर। एंड सेम गोज फॉर अनदर कॉलीग ऑफ माइन, मेरे मास्क भी ख़त्म हो गए थे एंड उसने खुद के लिए मास्क मंगवाए थे, सो आई जस्ट वी एक्चुअली हैव अ वी चैट ग्रुप जहाँ पर हम सब टीम के मेम्बर्स हैं, तो वहाँ पर जस्ट मैंने मैसेज किया था कि अगर किसी के पास मास्क हैं पड़े हैं या फिर कोई अरेंज कर सकता है तो प्लीज़ आप वो मेरे तक भी पहुँचा सकते हैं, सो दैट वुड बी रियली ग्रेट। एंड उसके जो मास्क आ रहे थे 50 मास्क, वो उसने डायरेक्टली मुझे भेज दिए, सो आई थिंक आज या कल में वो मैं रिसीव कर लूँगा, ताकि इस वीक या नेक्स्ट वीक कभी मैं वेजिटेबल्स या ग्रोसरी के लिए बाहर जाऊं तो मैं जा सकता हूं। सो ऑल इन ऑल अगेन हम बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं, वी जस्ट हैव टू कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज़, विद द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज, एंड माय हार्ट गोज आउट टू वुहान, एंड आई रियली होप कि सिचुएशन बेटर हो फॉर द गुड। एंड जैसे आप वेबसाइट में देख सकते हैं कि मोर देन 400 पीपल एक्चुअली गॉट क्योर्ड, सो अभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं निकला है लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ इट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। एंड मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं यहाँ पर। सो ये वीडियो मैंने सिर्फ बनाई थी अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, और आप सब लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है चाइना के अंदर। So this is just my try to get factual report to you, and I hope you found it at least some of it might be helpful for you. So stay tuned, subscribe to this channel, and main try karta rahunga aapko aur updates dene ki.